भोट दे गुजरात गुजरात में चली प्रथम पर्याय मतदान 99 सीट में 788 जन प्रार्थी भाग्य परीक्षा हो दिन 11 सुधा आज हाराहारी 8.95% भोटिंग होता कपरपदारे सर्वाधिक 10.3% मतदान होता बेले कटर गांव में सर्वनिम्न भोटिंग संध्या 5टा पर्यंत चलो यह मतदान प्रक्रिया 14,382 केन्द्र में निजर मत सब्यस्त करेंगे जनता सहरांचल 3,311 मतदान केन्द्र करपरी ग्रामांचल 14,382 पोलिंग स्टेशन हो प्रथम पर्याय मतदान में 2,79,670 भोटर भोट देते प्रथम पर्याय आप मुख्यमंत्री प्रार्थी ईशुदान गढ़ीबी पुरुषोत्तम सोलेंका कुजुरजी बाबलिया कांतिलाल अमृतिया रिबाबा जाडेजा और गोपाल इटालिया समस्त नजर रही गृहमंत्री हर्ष सांघवी वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल झील मुमताज पटेल केन्द्रमंत्री पुरुषोत्तम रूपलस प्रमुख मतदान सब्यस्त करपरी राजकोट राजकुमार और राजकुमारी एक विंटेज कार्रे आसी मतदान सब्यस्त कर 2017 साधारण निर्वाचन में 99 सीट में बीजेपी 48 जीति बेले कांग्रेस 40 आसन अख्तियार कर गोटे सीट स्वाधीन प्रार्थी निकट को जाता भाग्य पड़ा गुजरात इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी टुडे ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन माय सिंसियर अपील टू ऑल 4.9 करोड़ वोटर्स ऑफ गुजरात टू वोट टुडे एंड ऑल्सो ऑन 5th दिसंबर ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ द इलेक्शन देर आर ओवर 4 लाख पीडब्ल्यूडी वोटर्स and 9.8 lakh senior citizen voters in Gujarat. We are giving them all facilitations. This is the occasion to give equity and equality and show respect to them. Participation of over 10,000 centenarian voters, thus 100 years se upar ke 10,000 voters and PWD voters should be an inspiration for all of us. 1274 booth par sabhi mahila karmchari tainat rahengi aur ve aapka vote dilwayenge. I am also glad to share that 4,77,000 first time voters could exercise their franchise in these elections. मैं सभी युवा मतदाताओं से मतदान करने की पुरजोर अपील करता हूँ। मतदान का दिन लोकशाही में अति महत्वपूर्ण नागरिक संस्कार और धर्म विधि का दिन है। प्रत्येक मतदाता देश का भाग्य विधाता है। श्रेष्ठ दान मतदान, रग रग में संविधान। आज ये शुभ दिन इसलिए भी कहा जाता है कि कतार में खड़े हुए नागरिकों की आवाज़ सुनाई दे, वह प्रक्रिया है। सबसे बड़ा उत्सव है और हर नागरिक को हमारे भारत ने, हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने एक संवैधानिक अधिकार दिया है। उस अधिकार का पूरा पूरा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस अधिकार का हम पूरा पूरा उपयोग करें एक सक्षम और एक मजबूत और एक अच्छी सरकार बनाने के लिए।